हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर फार्मा। आज हम देखेंगे कोलिनर्जिक सिस्टम के बारे में। तो हमें ऑलरेडी पता है कि कोलिनर्जिक सिस्टम क्या है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा पिछला वाला कोलिनर्जिक रिसेप्टर वाला वीडियो देखें, वहां पे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि कोलिनर्जिक सिस्टम क्या है, इसमें यहाँ पे कौन कौन से टाइप के रिसेप्टर होते हैं और वो कैसे वर्क करता है। तो आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा कोलिनर्जिक रिसेप्टर के बारे में, तो आपको ये टॉपिक समझने में आसानी होगी कि कोलिनर्जिक सिस्टम क्या है। तो अगर देखिए कोलिनर्जिक सिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या है, वो हमारी बॉडी में कहां कहां पे काम करते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें हमारे आईज से, हमारे प्यूपिल से, तो सबसे पहला होता है प्यूपिल में कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, मींस मायोसिस। इसके बाद आता है हमारे आईज में लैक्रिमेशन मींस आंसू निकलने के हेल्प करता है। फिर आता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा निकालने में हेल्प करता है। फिर हमारे हार्ट में क्या करता है, कार्डिक आउटपुट कम करता है, हमारे हार्ट रेट को कम करता है और ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है। फिर हमारे लंग्स में ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। इसके बाद आता है हमारे जीआईटी में क्या करता है, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट को बढ़ाता है। फिर हमारे एनल में क्या करता है, ये डेफिकेशन में भी हेल्प करता है, हमारे रेक्टम के थ्रू डेफिकेशन में भी हेल्प करता है। फिर हमारा यूरिनरी ब्लैडर में वो मोर्टेलिटी बढ़ाता है और ब्लैडर को एम्प्टी करने में हेल्प करता है, हमारे यूरिनेशन में हेल्प करता है। फिर इसके बाद आता है स्किन में स्वेटिंग करने में हेल्प करता है और हमारे सीएनएस में मेमोरी को इंक्रीज करता है। तो अगर हम इसको नोट करें तो ये हो गया इसके मेजर फंक्शंस। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जो हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम है उसको हम पैरासिम्पैथोमिमेटिक भी कहते हैं, मींस ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। कोलिनर्जिक सिस्टम तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या था, एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है, और जो हमारा सिंपैथेटिक था, जो हमने नर्वस सिस्टम में डिस्कस किया था, सिंपैथेटिक में क्या होता है, हमारा एड्रेनलिन रिलीज होता है। तो अगर आप देखें तो एड्रेनलिन कहां पे रिलीज हो रहा है, जहां पे हमें डर का माहौल है, मींस वहां पे फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे याद करें कि जहां पे फाइट और फ्लाइट होगा उसका ऑपोजिट होगा रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मींस हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम। तो अगर आप याद कर सकते कि अगर आप डर जाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो उसका ऑपोजिट होगा हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम में। अगर आप यहाँ अगर आप अचानक से डर जाए तो क्या होता है, लोग कहते हैं हमारी आंखें बड़ी हो जाती है, ठीक, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखने लग जाते हैं, डर जाते हैं कोई इंसान, तो उसमें क्या हुआ, आंखें डायलेट हो गई और इस केस में क्या होगा, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, जिसको हम मायोसिस भी कहते हैं। प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया जिसे हम मायोसिस भी कहते हैं। इसके अलावा आंखों में अब क्या होता है, जब डर जाते हैं तो वहां पे इंसान एकदम ठंडा पड़ जाता है, ना कोई रिएक्शन होता है, ना कुछ, आंखें सूख जाती है, उसके मुंह सूख गया, आंखें सूख गई, तो क्या होता है, मुंह का ड्राइनेस हो गया। तो ड्राइनेस का ऑपोजिट क्या होगा, क्या यहाँ पे सलाइवेशन, मींस सलाइवा ज्यादा निकलेगा। आईज में आंखें सूख गई तो उसका ऑपोजिट लैक्रिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जीआईटी में मोर्टेलिटी रुक जाती, कोई आप कुछ खाना वाना भूल जाओगे ना, रुक जाएगा पूरा डाइजेशन सिस्टम, आप डर जाओगे, कुछ खा रहे हो तो भूत को देख के खाओगे नहीं ना, आप सब रुक जाएगा, तो जीआईटी में मोर्टेलिटी रुक गई। फिर क्या होता है, हम डरते हैं तो सब भूल जाते हैं, क्या था ऐसा, एकदम डर का माहौल हो जाता है, टीचर कभी पूछ ले बताओ इसका आंसर दो, डर के मारे सब भूल जाते हैं, तो मेमोरी भी वहां पे लॉस हो रही है, तो इस केस में मेमोरी इंक्रीज होगी, ठीक है। इसके बाद ब्लैडर, अब मान लो आप कहीं पे यूरिन कर रहे हो, आप पेशाब कर रहे हो, तभी अचानक से सांप आ जाए, आप तो डर के मारे भाग जाओगे, तो क्या होगा, वहां पे यूरिन ऑटोमेटिक रुक गया ना, ब्लैडर स्टॉप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्लैडर की मोर्टेलिटी भी कम हो जाएगी, यूरिनेशन भी रुक जाएगा। सिमिलरली डेफिकेशन के टाइम में भी अगर सांप आ जाए तो आप डेफिकेट करते रहोगे, आप तो भाग जाओगे, तो वहां पे भी डेफिकेशन रुक जाएगा। फिर हमारे हार्ट में बीपी बढ़ जाएगा, वहां पे डर जाएंगे तो क्या होगा, बीपी बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो इस केस में क्या होगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, हमारा बीपी कम हो जाएगा, स्टूल डेफिकेशन रुक जाएगा। फिर लंग्स का ब्रोंकियो डायलेशन हो जाएगा, हम जोर जोर से सांस लेने लगेंगे डर जाएंगे, तो यहाँ पे उसका ऑपोजिट हो गया ब्रोंकियो, यहाँ पे इसका ऑपोजिट हो गया ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम क्या है, सिंपैथोमिमेटिक मींस सिंपैथेटिक सिस्टम को ये मिमिक करते हैं, तो ये इसका ऑपोजिट हो गया किस, तो ये
तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम का ऑपोजिट हो गया। जो जो सिंपैथेटिक में हो सकता है, जो हमारे डर का माहौल में हो सकता है, ये उसका ऑपोजिट होगा, मींस रेस्ट एंड डाइजेस्ट के सिस्टम में। तो ये आपका बेसिक फंक्शन हो गया कोलिनर्जिक सिस्टम का। अब हम देखेंगे कि कैसे एसिटाइल कोलिन हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, हमारे न्यूरॉन में कैसे एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस होता है। तो आप तब तक इसको नोट कर लीजिए, बेसिक फंक्शंस क्या है हमारे कोलिनर्जिक सिस्टम के। अब हम देखते हैं एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस कैसे होता है। मान लेते हैं ये कोई न्यूरॉन होगा, ये कोई न्यूरॉन है और यहाँ पे कोई इफेक्टर सेल है। सेल पे हमें पता है या तो एन टाइप का रिसेप्टर होगा या एम टाइप का रिसेप्टर। एक कॉमन एग्जांपल पर चल रहे कि ये सेल जो है, इस सेल पर एन टाइप का रिसेप्टर भी हो सकता है और एम टाइप का रिसेप्टर भी हो सकता है। ये कोई न्यूरॉन हुआ जहां से अपना एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा और इस सेल पे जाके अपना एक्शन शो करेगा। इस न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, वो जाके इन दोनों में से किसी से भी बाइंड कर सकता है। तो अब देखते हैं कि कैसे यहाँ पे सिंथेसिस होता है। तो इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया से एसिटाइल रिलीज होता है और बाहर से कोलिन, इस कोलिन का अपटेक होगा सेल के अंदर। तो यहां से कोलिन आया, ये एक ट्रांसपोर्टर होगा किसी टाइप का जिसका नाम है सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर। सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर इसका नाम है। यहां पे क्या होगा, इसके हेल्प से ये कोलिन इस सेल के अंदर पहुंच जाएगा। कोलिन अंदर आ चुका है। अब एसिटाइल को कोलिन से ऐड करने के लिए हम एक एंजाइम यूज करते हैं जिसका नाम है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। इस कोलिन पे ये एसिटाइल ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। इस एंजाइम के हेल्प से एसिटाइल कोलिन पे ऐड हो जाता है, जो हो गया हमारा एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो ये बेसिक आपको पता चल गया, जो कोलिन है वो हमारे बाहर से आ रहा है हमारे न्यूरॉन के अंदर और एसिटाइल ऑलरेडी हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है। ये इसके अंदर कैसे आ रहा है, सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर की हेल्प से ये इसके अंदर जा रहा है। तो कोलिन जब अंदर पहुंच गया तो कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज की हेल्प से ये एसिटाइल इस पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो कोलिन पे ट्रांसफर होकर एसिटाइल कोलिन बन गया। अब आगे एसिटाइल कोलिन को हमें कहीं पे स्टोर करना होगा, जो हमारे स्टोरेज है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक स्टोरेज है, हमारे वेसिकल्स है जहां पे एसिटाइल कोलिन स्टोर होगा। इसके लिए एसिटाइल कोलिन विद हेल्प ऑफ एटीपी, क्यों, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई चैनल होगा जिसके हेल्प से एसिटाइल कोलिन विद हेल्प ऑफ एटीपी, क्यों, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पता है एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एटीपी की हेल्प से एसिटाइल कोलिन इस वेसिकल के अंदर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सिंथेसिस और स्टोरेज। स्टोरेज कहां पे हो रहा है, ये इन वेसिकल्स के अंदर विद हेल्प ऑफ एटीपी। अब ये एटीपी की हेल्प से यहां पे स्टोर तो हो चुका है वेसिकल्स में, अब आता है कि रिलीज कैसे होगा। तो हमने ऑलरेडी एक्शन पोटेंशियल में पढ़ा था, जब एक्साइट होता है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, तो क्या होता है, तब ये रिलीज होता है। एक बार अगर रिवाइज करें तो हमें पता है, ये हमारा एक्शन पोटेंशियल का एक ग्राफ देखते हैं। तो जैसे जैसे ये डीपोलराइज होगा, प्लस 30 तक पहुंचेगा, तब क्या होगा, ईपीएसपी एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। ईपीएसपी पे जैसे ही पहुंचेगा यहां से कैल्शियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा, कैल्शियम आके इस पे बाइंड करेगा। ठीक है, ये जैसे ही 30 पे पहुंचेगा वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा, इससे क्या होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा और कैल्शियम आके इस पे बाइंड करेगा। जैसे ही कैल्शियम इन वेसिकल्स पे बाइंड करेगा, ये वेसिकल्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये वेसिकल्स ओपन हो गए और एसिटाइल कोलिन सीधा इसके बाहर। अब एसिटाइल कोलिन जैसे ही बाहर आएगा, ये अपने सेल पे जाके वर्क करेगा। सेल पे कौन से रिसेप्टर पे, ये या तो मस्करेनिक रिसेप्टर पे बाइंड कर सकता है या निकोटिनिक, तो इन दोनों रिसेप्टर पे बाइंड करके अपना एक्शन शो कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक सिंथेसिस और स्टोरेज, फिर रिलीज, कि कैसे रिलीज हो रहा है। अब सवाल आता है
कि हम इनको कैसे कैसे रोक सकते हैं, कहाँ कहाँ पे ऐसा सिस्टम है जिससे इनका रिलीज रुक सकता है, जिससे हमें फार्माकोलॉजी पता चलेगी कौन से ड्रग्स होते हैं जो इनको रिलीज को रोकते हैं और ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जो इनको रिलीज को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं जहां पे इनके रिलीज को रोका जा सकता है और कैसे इनका ब्रेकडाउन होता है। जो एसिटाइल कोलीन आके यहाँ पे बाइंड कर चुका है, अगर इस पर बाउंड ही रहेगा, हमेशा बंधा रहेगा, तो वो क्या करेगा, साइड इफेक्ट कॉज करेगा, लगातार ट्रिगरिंग होगी अगर सेल की, तो वो अपने एक्शन को कंटिन्यूस करेगा और थकावट हो सकती है हमें। तो हमें इसको हटाना भी है, इसको तोड़ना भी है, एसिटाइल कोलीन को यहाँ से हटाना भी है। तो अब देखते हैं कौन कौन से मैकेनिज्म है। सबसे पहला आता है हेमिकोलिनियम, ठीक, इसको लिखते हैं हेमिकोलिनियम, हेमिकोलिनियम, ये यहां पे एक्ट करता है, इसको HC3 से डिनोट करते हैं। ये क्या करता है, इसके ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है, जो NaCHT सोडियम कोलीन ट्रांसपोर्टर जो है, को ट्रांसपोर्टर जो है, इसको ये इनहिबिट करता है HC3। तो अगर ये इनहिबिट हो जाएगा तो कोलीन ना अंदर जा पाएगा ना इसका सिंथेसिस हो पाएगा। तो पहला तो ये हो गया। इसके बाद आता है वेसामिकोल, इसको VSA से डिनोट करते हैं। वेसामिकोल क्या करता है, ये इसके ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है, जो ATP के हेल्प से एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है एसिटाइल कोलीन का यहां पे स्टोरेज होने के लिए, उसके ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है। तो इसके यहां पे क्या होगा, फिर ये इसमें यहां पे स्टोर नहीं हो पाएगा और रिलीज फर्दर नहीं हो पाएगा। तो ये तो दूसरा हो गया। इसके अलावा हमें पता है फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में, मींस यहां पे जो एसिटाइल कोलीन है ये खुद से भी बाइंड करके यहां पे एक्शन को रोक सकता है, मींस यहां पे भी एक मस्क्रेनिक रिसेप्टर होता है, ठीक। तो मस्क्रेनिक रिसेप्टर क्या करता है, यहां पे जो एसिटाइल कोलीन रिलीज हुआ है इस पे बाइंड करके ये इसके रिलीज को इनहिबिट करेगा, ये यहां पे फीडबैक मैकेनिज्म देगा कि हाँ आपका काम हो चुका है, यहाँ पे बाइंड हो चुका है, रिलीज हो चुका है प्रॉपरली, अब इसको रिलीज को रोक दीजिए। तो ये मस्क्रेनिक रिसेप्टर के हेल्प से यहाँ पे रिलीज को रोक देगा। अब आता है जो ये एसिटाइल कोलीन रिलीज हो चुका है, ठीक है, अगर इस रिलीज को भी पहले से रोक दे तो यहाँ पे आता है बोटोलिनम टॉक्सिन, जिसको हम BOT से डिनोट करते हैं। आपने बोटॉक्स इंजेक्शन के बारे में सुना होगा, जहां पे क्या होता है झुर्रिया कम करने के लिए जो यूज होता है, ठीक है, वो बोटोलिनम टॉक्सिन होता है। इसके अलावा जो फूड पॉइजनिंग होती है ना, जो हमारे बॉडी में फूड पॉइजनिंग हुई कुछ खाने पे, तो वहां पे भी बोटॉक्स रिलीज होता है। उससे क्या होता है, अगर बोटॉक्स रिलीज होगा तो हमारे GIT के मसल्स पे ये एसिटाइल कोलीन बाइंड नहीं कर पाएगा, इससे क्या होता है इसकी मोर्टेलिटी रुक जाएगी, ठीक है। हमें पता है ना हमारे GIT पे भी मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, अगर ये इस पर बाइंड नहीं करेगा तो इसकी मोर्टेलिटी रुक जाएगी। इस केस में क्या होगा, हमारे पेट में एकदम डाइजेशन रुक जाएगा, एक मोर्टेलिटी रुक जाएगी, हमारा स्टूल डेफिकेशन नहीं हो पाएगा और हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स है, तो फूड पॉइजनिंग में भी बोटॉक्स रिलीज होता है, जो क्या करता है मस्क्रेनिक रिसेप्टर पे बाइंड करने से रोकता है एसिटाइल कोलीन को। इसके अलावा एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोलीन एस्टरेज, मींस यहां पे मान लेते हैं एक एंजाइम है ये एंजाइम क्या करेगा, जो एसिटाइल कोलीन रिलीज हुआ है इसको तोड़ देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा, ठीक है। यहां से जो भी एसिटाइल कोलीन रिलीज हुआ है ये इसके संपर्क में आते ही टूट जाएगा। ये क्या करेगा, एसिटाइल कोलीन को पकड़ेगा और उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। वो पार्ट कौन कौन से है, एक है एसिटाइल और दूसरा है हमारा कोलीन। तो इसका नाम क्या हुआ, एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज, ACE, ACHE, एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज, ये एसिटाइल कोलीन को तोड़ देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है, मींस इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे एसिटाइल और कोलीन में, ये फिर दोबारा रिसाइकल हो जाता है हमारी बॉडी में, जो भी रिलीज हो चुका है वो दोबारा ब्रेक हो जाता है हमारी बॉडी में रिलीज हो जाता है। तो इसका काम क्या है, ये इसको रोकता है। तो यह हो गया आपका सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलीन, कैसे सिंथेसिस हो रहा है, कैसे ये फर्दर रिलीज हो रहा है हमारी ऑर्गन्स में, फिर कैसे इसका रिसाइकल भी हो रहा है हमारी बॉडी में। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे कोलिनर्जिक ड्रग, जिसको पैरासिम्पैथोमिमेटिक या कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स भी कहते हैं। कोलिनर्जिक, कोलिनोमिमेटिक
पैरासिम्पैथो मिमेटिक। तो एग्जाम में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है इनकोलिनर्जिक सिस्टम की ड्रग्स, तो कभी आ सकता है कि कोलिनोमिमेटिक बता दीजिए या पैरासिम्पैथो मिमेटिक या कोलिनर्जिक ड्रग्स, तो किसी भी नाम से ये आ सकते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से ड्रग आते हैं इसके अंदर। हमें पता है या तो ऐसा ड्रग हो जो रिसेप्टर पे बाइंड करके अपना एक्शन शो करे, या ऐसा कोई टाइप का केमिकल हो, ऐसा कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो जो एसिटाइल कोलिन की तरह ही एक्ट करे। ठीक है, ये तो दो टाइप हो गए। इसके अलावा हमें पता है जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा था यहां से सेल पे, तो यहाँ पे एक एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस करके एक एंजाइम था। ठीक है, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एक एंजाइम था जो एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज करके उसको ब्रेक कर रहा था। इन केस हम इसके एक्टिविटी को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, मींस ऐसा ड्रग देते हैं जो इसको इनहिबिट कर दे, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट कर दे। इस केस में क्या होगा, यहां से जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहे हैं इनकी इंक्रीज, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और ये अपना एक्शन शो कर सकते हैं। क्योंकि पहले क्या कर रहे थे, ये इसको ब्रेक कर देते हैं, अगर तीन रिलीज हो रहा था तो दो तो यही ब्रेक कर दे रहा था, अब इसको अगर मैंने रोक दिया तो क्या होगा, ये तीनों के तीनों एक्शन शो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, या तो ड्रग क्या हो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट करे, इसके एक्शन को रोक दे, इस केस में यहाँ पे ड्रग की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, एसिटाइल कोलिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। या तो कोई ऐसा ड्रग हो जो डायरेक्टली यहाँ पे जो रिसेप्टर है, ये मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर है, इस पे रिसेप्टर पे बाइंड करे और एक्शन शो करे, हमें पर्टिकुलरली ऐसा ड्रग चाहिए जो यहाँ पे आके बाइंड करके अपना एक्शन शो करेगा। या तो थर्ड केस क्या हो सकता है, या तो बाहर से एसिटाइल कोलिन दे या कोई दूसरा स्टेप का ड्रग दे जो एसिटाइल कोलिन की तरह एक्ट करता हो, जैसे मिथाकोलिन, ठीक है, कार्बाकोल, ये क्या हुआ एसिटाइल कोलिन की तरह सिमिलरली एक्ट करते हैं, उसी की तरह एक्शन शो करते हैं। तो हम ड्रग्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हमारा पहला क्या था, या तो ऐसा ड्रग हो जो इटसेल्फ इस रिसेप्टर पे आके बाइंड करे और अपना एक्शन शो कर सके, या तो ऐसा ड्रग हो जो एसिटाइल कोलिन की तरह एक्ट करे, मींस एसिटाइल कोलिन एगोनिस्ट। तो उससे पहले ड्रग्स हमारे इस टाइप में आ गए, कोलिनर्जिक, एगोनिस्ट। ये वाले ड्रग्स क्या कर रहे हैं, इटसेल्फ या तो रिसेप्टर पे बाइंड कर रहे हैं या तो इसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एसिटाइल कोलिन की तरह। तो ये हो गए, तो ये हो गए कोलिनेस्टर जो कोलिन की तरह एक्ट कर रहे हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकोल। एल्कलॉइड्स हो गए जैसे मस्क्रेन हो गया, ठीक है, ये इस क्या कर रहे हैं, ये रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर रहे हैं और अपना एक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हमारा जो इस एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस को, कोलिन एस्ट्रेस को क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, एंटी एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया जहां पे हमने देखा कि किस किस टाइप से हम ड्रग को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस है इसको हम किस टाइप से इनहिबिट कर सकते हैं, या तो इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक दे, ठीक है, मींस इसको भी ढक दिया, ये हट गया तो दोबारा अपना एक्शन शो कर सकते हैं, हमने ढक दिया मींस इसको थोड़ी देर के लिए इनहिबिट किया, फिर जब हटाया तो ये दोबारा अपना काम कर सकता है, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैंने इसको यहां से प्रॉपरली मिटा दिया, ऐसा कोई ड्रग दिया जो इसके साथ बाइंड करके वहां से इसको हटा ही दिया, या उसको प्रॉपर बाइंड करके रख दिया, उसको हिलने ही नहीं दे रहा, मींस इसका दो तरीका हुआ, या तो हम रिवर्सिबली कर सकते हैं या इरिवर्सिबल एक्शन से हम भी इसको एसिटाइल कोलिन को रोक सकते हैं, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस को। अब ये आ गया हमारा बेसिक, इसके बाद हम देखते हैं ड्रग्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले कोलिन एस्ट्रेस में ऐसे ड्रग्स होंगे जो एसिटाइल कोलिन को मिमिक करेंगे, मींस उसके टाइप के होंगे जो उसकी तरह एक्शन शो करते हैं, जैसे ये हो गए हमारे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के एग्जांपल। कोलिन एस्ट्रेस में आ गए मिथाकोलिन, कार्बाकोल, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। एल्कोलाइड्स में आ गए मस्क्रेन और पिलियोकार्पिन। इसके बाद आता है एंटी एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस, मींस यहां पे जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस था उसको हम इनहिबिट करेंगे तो क्या होगा, यहां से एसिटाइल कोलिन का रिलीज होना कंटिन्यूस रहेगा। अब यहां पे इसको फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, जो रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल तो चलो ठीक है, हमें समझ में आता है कि हाँ अगर काम हो गया उसके बाद हमें उसकी जरूरत नहीं एसिटाइल कोलिन की, तो ये दोबारा आके अपना इसको ब्रेक कर सकता है। पर जो इरिवर्सिबल है क्या वो हमारे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, अगर कंटिन्यूस यहां से रिलीज होता रहेगा और इसको हटाने वाला नहीं रहेगा तो ये हमारे लिए बुरा हो सकता है। क्यों, जो भी हमारे ड्रग्स वो एक्ट करेंगे तो वो हमारे लिए एक टाइम बस साइड इफेक्ट की तरह होने लगेगा। जैसे हमारा मान लेते हैं ये मसल्स पे आके बाइंड कर रहा है तो मसल का मूवमेंट प्रॉपर हो रहा है। अब अगर कोई पर्सन सुबह से लेकर शाम तक ऐसा ही करता रहे, ठीक है, पूरी बॉडी में वो जंप करता रहे, एक दो बार जंप कर रहे उसका काम हो गया,
बट हम ड्रग्स देके उनको सुबह से शाम तक जम करवा रहे नॉन स्टॉप, तो एक टाइम बाद वो थक जाएगा और शायद इवेंचुअली वो मर भी जाए, तो ये क्या होगा, इरिवर्सिबली हमारे लिए तो सही नहीं है। तो उससे पहले इरिवर्सिबल ड्रग्स कहाँ पे यूज होते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड होते हैं ना जो हमें खेतों में डालते हैं, तो वहां पे क्या होता है, इरिवर्सिबल ड्रग्स होते हैं वो जाके इंसेक्ट्स पे बाइंड करते हैं और उनको कंटिन्यूअस ट्रिगर करते रहते हैं, जिससे क्या होता है एक टाइम बाद वो मर जाते हैं, ठीक, इंसेक्टिसाइड में होता है। फिर आपने देखा होगा ऐसे वॉर में गैसेस यूज होते हैं, जिससे क्या होता है नर्व गैस, जिसे कहा जाता है नर्व गैस, ये हमारे नर्वस सिस्टम पे बाइंड करता है और हमारे पूरी बॉडी को हिला के रख देता है, हमारे नर्व्स को बार बार ट्रिगर करता है और हमारी बॉडी में इवेंचुअली हमारी डेथ हो जाती है, ठीक है, नर्व गैसेज में यूज होता है। फिर ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जिससे लोगों को मारने के लिए भी यूज किया जाता था पहले के टाइम में, तो वो सारे किसमें आते हैं, इरिवर्सिबल में। तो इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की। रिवर्सिबल को कार्बामेट और नॉन कार्बामेट में डिवाइड किया गया है। कार्बामेट एक केमिकल स्ट्रक्चर है, ऐसे ड्रग्स जहां पे कार्बामेट जैसा केमिकल स्ट्रक्चर है उनको कार्बामेट में डिवाइड किया गया, और जो कार्बामेट की तरह नहीं है वो नॉन कार्बामेट हो गए, ठीक है, ये रिवर्सिबल का हो गया। इरिवर्सिबल में भी दो टाइप है, कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट, ठीक है। तो इनके ड्रग्स देखते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट में ऐसे ड्रग्स जहां पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो ये तो इरिवर्सिबल में है। सबसे पहले रिवर्सिबल के ड्रग्स देखते हैं। तो ये हो गया आपके ड्रग्स रिवर्सिबल में, आ गए रिवास्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, नॉन कार्बामेट्स में आ गए एंड्रोफोनियम और टेक्रीन। इसके अलावा भी और भी ड्रग्स हैं इरिवर्सिबल में, आ गए जैसे आपके कार्बामेट में आ गए कार्बाइल और प्रोपोक्सर, और ऑर्गेनोफॉस्फेट में आ गए डाइफ्लोस, सोमन और सेरीन। तो ये हो गया आपके ड्रग्स कंप्लीट। इसके बाद हम देखेंगे क्या क्या यूजेस है कोलिनर्जिक सिस्टम के इन ड्रग्स के हमारी बॉडी में। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग। पहले हमारे आइस से स्टार्ट करते हैं। आइस में एज मायोटिक, ये हमारे ग्लाकोमा के दौरान भी यूज करते हैं। ग्लाकोमा में क्या होता है, जब मायोटिक मायोसिस प्रोड्यूस करते हैं हमारे आंखों में, तो हमारे जो भी इंट्राओक्युलर प्रेशर है, जो भी आईओटी बड़ा रहता है वो कम करने में हेल्प करता है, हमारे आंखों के अंदर का जो प्रेशर है उसको कम करने में हेल्प करता है कोलिनर्जिक ड्रग, इसलिए हम ग्लाकोमा में भी यूज करते हैं। ग्लाकोमा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि ग्लाकोमा क्या है, जब हम एडिनर्जिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे ग्लाकोमा क्या है, उसका क्या ट्रीटमेंट है। इसके अलावा हमारे आंखों में जब ड्राई आई हो जाती है तो हम आंखों में लैक्रिमेशन के लिए, मीन्स आंसू लाने के लिए भी हम यूज करते हैं, अगर ग्लैंड्स प्रॉपरली वर्क ना करें, हमारे आंखों से प्रॉपर आंसू ना आए, ड्राईपन आ जाए, सूखापन आ जाए, उसके लिए भी हम यूज करते हैं। इसके बाद हमारे माउथ में हमें पता है ग्लैंड्स हैं, यहाँ पे भी स्लेवरी ग्लैंड्स स्लेवा को निकालने के लिए, तो हम स्लेवरी ग्लैंड्स को भी एक्टिवेट करने के लिए कोलिनर्जिक ड्रग्स यूज कर सकते हैं। फिर आता है हमारे हार्ट में, हार्ट में हम अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं कोलिनर्जिक ड्रग के थ्रू, मीन्स ब्रेडिकार्डिया कॉज हो सकता है। फिर हमारे लंग्स की बात करें तो लंग्स में ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन में हेल्प करेगा कोलिनर्जिक ड्रग्स। हार्ट में ब्लड प्रेशर कम होगा बाय हेल्प ऑफ कार्डिक आउटपुट, हमारे पंप करके जो आउटपुट निकलेगा उसको कम कर देंगे और ब्रैडीकार्डिया भी कॉज हो सकता है इससे। इसके अलावा हमारे सीएनएस में मेमोरी को इंक्रीज करने में भी हम यूज कर सकते हैं, हमारे अल्जाइमर डिजीज को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग। फिर हमारे अगर जीआईटी में बात करें तो जीआईटी में क्या हो सकता है, मोर्टेलिटी इंक्रीज हो सकती है। फिर हमारे डेफिकेशन में हेल्प हो सकता है इसका। फिर इसके बाद यूरिन करने में, हमारे पेशाब करने में भी कोलिनर्जिक ड्रग हेल्प कर सकता है। इसके बाद हमारे मसल्स पे हमें पता है कि निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं NM, तो ये कोलिनर्जिक ड्रग हमारे मसल मूवमेंट को भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा माइस्थीनिया ग्रेविस, ये भी एक डिजीज है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो हमारे मसल्स को वीक कर देता है, तो माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे प्रॉपर वीडियो में। इसके अलावा ऐसा कोई सिचुएशन हो जहाँ पे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स ले ले, कोई पॉइजनिंग हो जाए,
तो वहां पे भी हम कोलिनर्जिक ड्रग्स लेते हैं। इसके अलावा कोबरा पॉइजनिंग में भी यूज करते हैं। कोबरा पॉइजनिंग में एक न्यूरोटॉक्सिन होता है जिसको क्यूरेनिन कहते हैं, वो क्या करता है हमारे मसल वीकनेस प्रोड्यूस करता है, वहां पे हम कोलिनर्जिक ड्रग देके उस चीज को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं जो क्यूरेनिन है। तो ये हो गए आपके यूजेस ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।